नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चिंचली अंतर्गत ग्राम पंचायत शाहपुर में लगा वर्षों पुराना पीपल का विशाल पेड़ अचानक प्राथमिक शाला भवन के किचन सेट कक्ष पर जा गिरा, जहां बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाया जाता था। शुक्र है कि पेड़ गिरने के पूर्व खाना बनाने वाली रसोईया बच्चों को भोजन करवाकर घर चली गई थी और सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासरूम में ही थे, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। बोलो। मैं ममता वारदास शासकीय प्राथमिक शाला शाहपुर में कार्यरत हूँ। यहाँ पर कल बारिश के कारण पीपल का पेड़ किचन के पीछे ऑफिस के पीछे बहुत बड़ा पेड़ गिरा, जिससे कि मतलब बच्चे और मध्याह्न भोजन वाले सभी बड़ी दुर्घटना से बच गए। कुछ भी हो सकता था, शिक्षक भी हो सकते थे वहाँ, बच्चे भी हो सकते थे। सर कल अचानक एक पीपल का वृक्ष गिर गया, जो कि स्कूल किचन सेट और स्कूल के अतिरिक्त कक्ष के ऊपर से होते हुए गिरा है। उस टाइम पे मध्याह्न भोजन बन चुका था, अन्यथा की स्थिति में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कैसे गिरा है सर? दो दिन से पानी गिर रहा है, अचानक उस कारण से ये गिर गया। नरसिंहपुर से संजीव पटेल की रिपोर्ट।